बैठने नहीं आई। इंकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अपराधियों की सरकार नहीं चलेगी, कानून तोड़ने वालों की सरकार नहीं चलेगी। अब कांग्रेस सुभाष लंबा जी अपने विचार रखें। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, मंच पर बैठे तमाम नेतागण और देश के तमाम राज्यों से आए भारी तादाद में मजदूर कर्मचारी साथियों, सबसे पहले मैं चाहूँगा ये जो साथी बीच में खड़े हैं, हम मोदी की तो बात कर रहे हैं, मोदी सरकार हमारी ये नहीं सुनती, वो नहीं सुनती, आप ही हमारी नहीं सुन रहे, इसलिए बैठ जाएं। पीछे वालों को कुछ दिखाई नहीं देता है, ये अपना ही कार्यक्रम है, और ये झंडे थोड़े से साइड में अगर हो जाएं, ये तो दिख गए, सुबह से दिखाई तो दे रहे हैं, थोड़े से साइड में झंडे हो जाएं, वो पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज़ ये सारे साथी बैठ जाएं जो बीच में खड़े हुए हैं, जिसने खड़ा होना हो साइड में चला जाए। इसलिए साथियों, सबसे पहले तो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की तरफ से बड़ी भारी तादाद में हमारे कर्मचारी साथी यहाँ आए हैं, और इस बात का आश्वासन देते हैं कि जो भी निर्णय सेंट्रल ट्रेड यूनियंस लेंगी, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन और इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन पूरी ताकत के साथ उसको लागू करेगा देश में। दूसरी बात, अभी हम काफ़ी लंबे समय से बातचीत सुन रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो हालात है, जो सरकारी क्षेत्र है उसके हालात उससे भी ज़्यादा खराब है। 50 लाख से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं सरकारी क्षेत्र में, और केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें उनको भरने की बजाय काम को ठेके पर, आउटसोर्सिंग पर दे रहे हैं, और जहाँ भारी आर्थिक शोषण है, एक तरीके से बंधवा मजदूरी की तरह काम किया जा रहा है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया 26 अक्टूबर 2016 को के समान काम समान वेतन लागू होगा, और हमें उम्मीद थी कि 56 इंच की सीने वाली सरकार इस फैसले को लागू करेगी, लेकिन इस सरकार ने उस फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसी प्रकार से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के जो नेशनल पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस करी है, सरकारी कर्मचारियों का जो सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा लाभ जो पेंशन था, उसको खत्म कर दिया है। हम पूछना चाहते हैं कि अगर मेंबर पार्लियामेंट एक बार चुन करके आता है तो आजीवन उसको पेंशन मिलती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो 30, 35, 35 साल नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं दी जाती है। और ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसका जो पैसा इकट्ठा होता है 10% सरकार मिलाती है, 10% कर्मचारी से कटता है, रिटायरमेंट पे 40% उसको नगद और 60% पैसा शेयर मार्केट में लगा करके उसका भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने मिल करके अभी राष्ट्रीय कन्वेंशन का आह्वान किया था, और पूरे राज्यों में कन्वेंशन हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कन्वेंशन हो रही है। इसके बाद आज शाम को हमारी बैठक होगी, और यह सरकार अगर इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएगी, नेशनल पेंशन स्कीम को खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं करेगी, और इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बंद करके और रेगुलर भर्तियों का इंजाम नहीं करेगी, तो केंद्र सरकार का कर्मचारी और राज्य सरकार का कर्मचारी मिल करके इस देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को तेज करने का निर्णय हम लेंगे। दूसरी बात, बिजली सेक्टर की बात है, इस सरकार ने अभी एक बिल लेकर के आए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2015, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 था, पूरी तरीके से फेल हो गया, और जो बिजली बोर्डों का घाटा था बढ़ करके लगातार वो बढ़ता जा रहा है। बिजली का क्राइसिस है, जो प्रोडक्शन हम कर सकते हैं 50% ही प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ताकि प्राइवेट सेक्टर आए। आज गवर्नमेंट के जो प्राइवेट हमारे उत्पादन केंद्र हैं उनको बंद किया जा रहा है, और गौतम अदानी की रिलायंस ग्रुप की बिजली को खरीदा जा रहा है, अपने जो सरकारी हमारे जो क्षेत्र है उसको बंद करके इन लोगों से बिजली खरीदी जा रही है, और वो कहा जा रहा है कि सस्ती बिजली खरीदी जा रही है, बिल्कुल सरासर झूठ की बात करते हैं।
अपने से जो हमारे थर्मल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनको बंद करने की बात कह रहे हैं। बिजली जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में वहां भी ये जो ठेका प्रथा है बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। ठेका कर्मचारी चालू लाइनों पर काम करते हुए मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना रही कि जहां परमानेंट नेचर का काम है वहां परमानेंट ही कर्मचारी होगा। इस कानून की परिपालना पूरी तरीके से नहीं हो रही, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया जो पूरे देश के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, अभी हमारा हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस हुई और हमने ये तय किया कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर जो कर्मचारी लग रहे हैं इनकी सेवाएं पक्के हों और पक्के होने तक समान काम समान वेतन लागू हो, इस बात को लेकर के पूरे देश का बिजली कर्मचारी मिलकर के एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तरफ बढ़ रहा है। इन बातों को कहते हुए, इस बात का आश्वासन देते हुए कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ये जो 3.5 साल का राज है पूरी तरीके से जो वायदे किए तो फेल हो गए, और अब जब जनता सड़कों पर आ रही है, आज जिस प्रकार से जन सैलाब यहाँ उमड़ा है, 20 नवंबर को देश का किसान आ रहा है, छात्र नौजवान मिल करके आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार जाति और धर्म के नाम पे हमें एकता को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, और गाय के नाम पे जिस प्रकार से इस देश में गुंडागर्दी हो रही है हमारी एकता को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। आज ये जो लाखों का जो सैलाब आया है मोदी साहब को ये बताने के लिए आया है कि इस प्रकार से जाति और धर्म के नाम पे मेहनत कशों की एकता टूटने वाली नहीं है, आने वाले टाइम में ये मजबूत होगी। इस सांगठनिक एकता जो हमारी बन रही है इसको और मजबूती प्रदान करेंगे। आपको ये बात कहते हुए कि जो सांगठनिक चेतना है इसको राजनीतिक चेतना में बदलिए, पार्लियामेंट में अपनी ताकत बढ़ाइए, तब जाकर के सरकार को होश ठिकाने आएगा, हमारी बात जब जाकर के मानी जाएगी, इस तरफ भी हमने बढ़ने की जरूरत है। तो एक बार फिर इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से 24 सेंट्रल ट्रेड यूनियन निर्णय लेंगी, हम पूरी तरीके से इस देश का कर्मचारी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेगा। धन्यवाद साथियों।